बॉलीवुड एक्टर्स अपनी फिल्मों को लेकर काफी मेहनत करते हैं, फिर चाहे बात बॉडी बनाने की हो, वजन बढ़ाने की हो या घटाने की हो। लेकिन अब इसी कड़ी में शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर का नाम भी जुड़ चुका है। ईशान ने अपनी डेब्यू फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स के लिए 8 किलो वजन कम किया। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बात चल रही है फिल्म धड़क में नजर आने वाले ईशान खट्टर की, लेकिन इनकी डेब्यू फिल्म है ईरानी डायरेक्टर माजिद मजीदी द्वारा बनाई गई फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना 8 किलो वजन कम किया है। दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए उन्होंने सिर्फ 12 दिन का वक्त लिया। जी हाँ, सिर्फ 12 दिन में ईशान खट्टर ने अपना वजन 8 किलो कम कर लिया। ईशान के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ईशान ने 8 किलो वजन कम किया है। उन्होंने अपने डायरेक्टर से इनपुट लिया और पतले होने को मिशन की तरह लिया। उन्होंने अपने वर्कआउट के तरीके में बदलाव किया, खास तौर पर उनका ध्यान स्प्रिंट और साइकिल चलाने पर था। सख्त और अनुशासित व्यवस्था के कारण वो ऐसा करने में कामयाब रहे। बता दें कि ईशान ईरानी फिल्मकार माजिद मजीदी की भारतीय पृष्ठभूमि पर बन रही फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं। ये फिल्म 20 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इसके बाद ईशान खट्टर दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर के साथ धड़क में भी नजर आने वाले हैं। ये फिल्म जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म होने वाली है। बहरहाल आपको बताते चलें कि ईशान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, ये बात इंस्टाग्राम ने खुद मानी है। लेकिन फिलहाल तो ईशान खट्टर साहब ने 8 किलो वजन कम किया है अपनी फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।